गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास थर्ड। आज हम नया पार्ट शुरू करेंगे। हमारे तीन पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, आपने वर्क भी कर लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। आज हम नया पार्ट शुरू करेंगे फोर, जिसका नाम क्या है? बिस्मिल की बहन। क्या नाम है? बिस्मिल की बहन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ नवीन शब्द दे रखे हैं जो मैं आपको PDF के जरिए भेजूंगी, उसको एक बार ऑरल करवा देती हूँ। ओके, नवीन शब्द आंदोलन। क्या लिखा है ये? आंदोलन। व्यवस्था, क्या लिखा है ये? व्यवस्था। शाहजहांपुर, क्या ये? शाहजहांपुर, क्या लिखा है? शाहजहांपुर। देशभक्त, क्या लिखा है ये? देशभक्त। षड्यंत्र, कोई साजिश करते हैं, कुछ भी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? षड्यंत्र। जागरूक, किसी चीज के लिए जागरूक होना। जैसे इस पार्ट में आजादी के लिए बताया गया है तो उसके लिए क्या है? जागरूकता, जागरूकता होनी चाहिए, जागरूक। हुकूमत, आदेश देना, क्या होगा? हुकूमत। भंडाफोड़, क्या लिखा है ये? भंडाफोड़। क्रांतिकारी, क्या लिखा है ये? क्रांतिकारी। प्रोत्साहन, क्या लिखा है? प्रोत्साहन। ब्रह्मचारी, क्या ये? ब्रह्मचारी। वापस आंदोलन, व्यवस्था, शाहजहांपुर, देशभक्त, षड्यंत्र, जागरूक, हुकूमत, भंडाफोड़, क्रांतिकारी, प्रोत्साहन और ब्रह्मचारी। ओके, अब हम पाठ शुरू करेंगे। पाठ का नाम आपको बता दिया मैंने, बिस्मिल की बहन। पहले गहरे पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ के माध्यम से हमें ये बताया गया है कि हमारे देश में प्रतंत्रता की बेड़ियों को तोड़कर स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए केवल पुरुष वर्ग ही आगे नहीं आया। क्या बताया गया है कि प्रतंत्रता की बेड़ियों को तोड़कर स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए केवल पुरुष वर्ग ही आगे नहीं आया, बल्कि महिला वर्ग ने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस संघर्ष में भाग लिया है। मतलब पुरुष ही हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए आगे नहीं आया है, कौन आया है? इसके साथ में महिला वर्ग ने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संघर्ष में भाग लिया है। वह जो स्त्रियां इसमें भाग नहीं ले पाई, उन्होंने किसी न किसी रूप से क्रांतिकारी भाइयों को अपना पूर्ण सहयोग दिया है। जो महिला इस क्रांतिकारी में भाग नहीं ले पाई, अपने स्वतंत्रता के लिए भाग नहीं ले पाई, उसने क्या किया? किसी न किसी रूप से क्रांतिकारी भाइयों को अपना पूर्ण सहयोग दिया, कैसे भी करके अपने क्रांतिकारी भाइयों को पूर्ण सहयोग दिया, उनका साथ दिया। चलो पाठ शुरू करते हैं। देश की आज़ादी के आंदोलन में हमारे देश की महिला भी पीछे नहीं रही है। मतलब देश की आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी के आंदोलन के लिए हमारे देश के पुरुष तो आगे है, आपको पता ही होगा, लेकिन महिला भी इसमें कभी पीछे नहीं रही है। किसी न किसी रूप से उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया है और अपने भाइयों का साथ देकर उनका सहयोग किया है। अगर वे आज़ादी के दीवानों के साथ घर की देहरी से बाहर आकर सड़क पर कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल पाई, तो भी उन्होंने उन दीवानों के लिए छुपकर पैसा, हथियार और ठहरने की व्यवस्था का बहुत बड़ा भार अपने ऊपर ले रखा था। तो महिलाएं ऐसे तो कंधे से कंधा मिलाकर चल नहीं सकती पुरुषों से, तो उन्होंने क्या किया? सड़क पर नहीं आके कंधे से कंधा नहीं मिला पाई, लेकिन उन्होंने छुप छुप कर कैसे भी करके उन क्रांतिकारी पुरुषों के लिए, उन भाइयों के लिए उन्होंने छुप कर कैसे भी करके पैसा, हथियार और ठहरने की व्यवस्था का बहुत बड़ा भार अपने ऊपर ले लिया, ताकि वह कैसे भी करके उनका साथ दे सके, उनका सहयोग दे सके और अपने देश के लिए, आज़ादी के लिए कुछ कर सके। उनमें से एक थी शास्त्री देवी। उनमें से एक कौन थी? शास्त्री देवी, जो
काकोरी कांड के प्रमुख अभियुक्त पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की सगी छोटी बहन थी। किसकी छोटी बहन थी? शास्त्री देवी। काकोरी कांड के प्रमुख अभियुक्त पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की छोटी बहन थी, सगी छोटी बहन थी। उनका जन्म शाहजहाँपुर, कहाँ हुआ उनका जन्म? शाहजहाँपुर जिले में पंडित मुरलीधर के यहाँ हुआ था। कहाँ पर हुआ था उनका जन्म शास्त्री देवी का? शाहजहाँपुर जिले में पंडित मुरलीधर के यहाँ हुआ था। जो कट्टर आर्य समाजी थे, कौन थे? आर्य समाजी थे। उनका विवाह मैनपुरी जिले के कोसमा गांव में हुआ था। तो शास्त्री देवी का विवाह कहाँ हुआ था? मैनपुरी के जिले में, मैनपुरी जिले के कोसमा गांव में होता। कौन से गांव में होता? कोसमा गांव में हुआ था। शास्त्री जी अपने बेटे के साथ सन 1974 मतलब 1974 में मुझसे मिलने आई थी। कब आई थी वो शास्त्री देवी अपने बेटे के साथ 1974 में मतलब 1974 में मुझसे मिलने आई थी, क्योंकि उनके खेत पर गांव के कुछ दबंगों ने कब्जा कर रखा था, हड़प रखा था कि अब उसका गांव का जो खेत था उस पर कुछ दबंगों ने, कुछ शैतानों ने उन पर कब्जा कर रखा था, इसलिए वह आई थी। जब उन्होंने मुझे बताया कि वह पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की बहन है, क्या बताया उन्होंने कि वह पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की छोटी बहन है, सगी बहन है, तो मैं बहुत प्रभावित हुआ, बहुत खुश हुआ कि वह पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की छोटी बहन है, और यही से चल पड़ी। उनके भैया की कहानी शास्त्री देवी ने बताई। उनके भैया की कहानी किसने बताई? बिस्मिल की कहानी उसकी छोटी बहन ने बताई। मेरी शादी मेरे भैया के सहयोग से कोसमा गांव में हुई थी। किसके सहयोग से हुई थी? उसके भाई बिस्मिल के सहयोग से उसकी शादी कहाँ हुई थी? कोसमा में हुई थी। कोसमा स्टेशन से लगा हुआ ही कोसमा गांव है। जब रेल लेट हो जाती थी तो भैया कोसमा गांव के देशभक्त बड़े जमींदार हाजियार खान के यहाँ कभी कभी रुक जाते थे। बड़े जमींदार थे जिसका नाम क्या था? हाजियार खान, जिसके यहाँ कभी कभी रुक जाते थे जब उनकी रेल लेट होती थी। जब मैं 11 वर्ष की थी, कितने वर्ष की? 11 वर्ष की थी, उन्हीं खान साहब व भैया ने मेरी शादी आर्य समाज पद्धति से ठाकुर परिवार में करवाई थी। कौन से परिवार में करवाई? आर्य समाज पद्धति से ठाकुर परिवार में करवाई थी। भैया शादी के बाद कभी मेरे पास और कभी निकटवर्ती मतलब पास में गांव चंदिकरा चले जाते थे। कभी मेरे पास रुकते थे और कभी निकटवर्ती मतलब पास में कोई गांव था चंदिकरा, वहां चले जाते थे। वहां उनके मित्र पंडित सिद्ध गोपाल चतुर्वेदी रहते थे। उनका मित्र कौन था? पंडित सिद्ध गोपाल चतुर्वेदी वहां रहते थे, जो 1919 के मैनपुरी षड्यंत्र के केस में अभियुक्त थे। ओके, आज के लिए हम इतने ही पार्ट पढ़ेंगे। इसके आगे की कहानियां आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा था? देश की आज़ादी के लिए हमारी महिला भी कभी पुरुषों से पीछे नहीं रही है, उनके बराबरी में कैसे भी करके उनका सहयोग करती थी और उनका साथ देती थी। वैसे तो कंधे से कंधा मिलाकर चल नहीं पाती थी, तो भी वह छुप कर कैसे भी करके पैसा हथियार और ठहरने की व्यवस्था करके उनका भार अपने ऊपर ले लिया था। उन्हीं में से एक शास्त्री देवी थी, किसकी बहन थी वो? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की छोटी बहन थी। उनका जन्म कहाँ हुआ था? शाहजहाँपुर के जिले में पंडित मुरलीधर के यहाँ हुआ था, जो कट्टर आर्य समाजी थे। उनका विवाह मैनपुरी के जिले कोसमा गांव में हुआ था। शास्त्री देवी अपने बेटे के साथ सन 1974 में मुझसे मिलने आई थी, क्योंकि उनके खेत पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर रखा था। जब उन्होंने बताया कि मैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की छोटी बहन हूँ, सगी बहन हूँ, तो मैं बहुत प्रभावित हुआ, यहीं से चल पड़ी। उसने अपने भैया की कहानी बताई। शास्त्री देवी ने अपने भैया की बिस्मिल की कहानी बताई। मेरी शादी मेरे भैया के सहयोग से कोसमा गांव में हुई थी। कौन से गांव में? कोसमा गांव में हुई थी। कोसमा गांव
स्टेशन पे लगा हुआ ही कोसबा गांव है। जब रेल लेट हो जाती तो भैया कोसबा के देशभक्त बड़े जमींदार हाजिर खान के यहाँ कभी कभी रुक जाते थे। जब मैं 11 वर्ष की थी उन्हें खान साहब व भैया ने मेरी शादी आर्य समाज पद्धति से ठाकुर परिवार में करवाई थी। भैया शादी के बाद कभी मेरे पास और कभी निकटवर्ती गांव चंदिकरा चले जाते थे। वहां उनके मित्र पंडित सिद्ध गोपाल चतुर्वेदी भी रहते थे, जो 1919 में मेनपुरी षड्यंत्र केस के प्रमुख अभियुक्त थे। ओके, अब इसका वर्क मैं आपको पीडीएफ के जरिए भेज दूंगी, आप भी एक बार ये पार्ट पढ़ना और वर्क कंप्लीट कर लेना। आपको वर्क पीडीएफ के जरिए भेजा जाएगा। ओके, थैंक यू।